नमस्कार। कोरोना से लड़ने के लिए भारत के साथ आया अमेरिका, किया अब तक का सबसे बड़ा ऐलान। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कोरोना के लगातार बढ़ रहे प्रकोप के चलते लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए पहले तो लॉकडाउन के मायने बताए और फिर इसे आगे बढ़ाना ही सही समझा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि लॉकडाउन को न जारी किया गया तो स्थिति और भी बढ़ार रूप ले सकती है। पीएम मोदी एक बार नहीं बल्कि कई बार लोगों से ये अपील कर चुके हैं कि वह घरों में ही रहे और आसपास के लोगों से न मिले जुले। जानकारी के लिए बता दे कि भारत ऐसी कठिन परिस्थिति में अपने चलते कई देशों की मदद कर रहा है। पीएम मोदी ने अमेरिका समेत कई देशों को हाइड्रोक्लोरोक्वीन दवा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भेजी थी। जिस तरह भारत ने अमेरिका को ये दवा देकर मदद की थी, अब वैसे ही अमेरिका ने भारत को इस वायरस से लड़ने के लिए बड़ा ऐलान किया है। अमेरिका ने अब भारत को लेकर जो कदम उठाया है वो काबिले तारीफ है। अमेरिका ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए भारत को स्वास्थ्य सहायता के रूप में लगभग $5.9 मिलियन प्रदान किए हैं। भारत को की गई इस सहायता की जानकारी गुरुवार को अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने दी है। अमेरिका द्वारा उठाया गया ये कदम विरोधियों को नींद उड़ा देगा। गौरतलब है कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि इस राशि का इस्तेमाल भारत में कोरोना पीड़ित लोगों की मदद, बीमारी से जुड़े जागरूक अभियान और इसके रोकथाम के लिए किए जा रहे शोधों में इस्तेमाल किया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने इस सहायता राशि का इस्तेमाल आपातकालीन तैयारी के लिए भी किया जाएगा। दुनिया भर के समुदायों को महामारी से निपटने में अमेरिका पहले ही बहुपक्षीय और गैर सरकारी संगठनों NGO को सहायता राशि प्रदान करता आया है, लेकिन ये अब तक की सबसे ज्यादा राशि है। दोस्तों, आप अपना सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।